ना पानी भर गो भरा हुआ है, धरातल तो दिख नहीं रहा है, पानी तलातल दिख रहा है। पानी में निकलने के बाद में खाना डोन बता रहे कहाँ तक भीज गए भाई, घोंटू तक गए नहीं, यहाँ तक भीज चुका हूँ। हेलो गाइस, तो पूरे 40 घंटे बरसात पड़ने के बाद मथुरा में अब हम जा रहे हैं बाहर। अब हम देखेंगे कि मथुरा में जो जनता है वो इस बरसात से कितनी प्रसन्न है और क्या माहौल है, और आपको भी दिखाएंगे 40 घंटे बरसात पड़ने के बाद में मथुरा की सड़कें, मथुरा क्या माहौल है, चलो देखते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले आपको दिखा दें अपनी कॉलोनी का व्यू। तो 40 घंटे के बाद में ये जनता पूरी अपने घरों से निकली हुई है। जनरली यहाँ ज्यादा भीड़ रहती है लेकिन आज कम है। ये दारू का ठेका देखो वैसे भरा रहता है, आज खाली है। क्या बात कर रहे, तो हम आ चुके हैं मौली रोड पे और आपको दिखाएंगे मौली रोड का क्या माहौल बना हुआ है। वो देखिए गाइस, यहाँ पर एक भैया की रॉयल एनफील्ड पानी में रुक चुकी है। नो नो, पानी बिल्कुल तलातल भरा हुआ है, धरातल तो दिख नहीं रहा है, पानी तलातल दिख रहा है। पूरी असुविधा हो चुकी है यहाँ पे। और बरसात में देखो घोड़े भी बाहर निकल आए, खाली खाली। अगर ये बरसात नहीं आई होती तो पूरा मोहल्ला रोड भरा हुआ नजर आता है हमको। इसी बीच हमें मिले हमारे एक सब्सक्राइबर भाई को हमारी तरफ से सच्चे दिल से धन्यवाद। ये धरातल हो चुका है तलातल। और कर ले भैया ले। अब हम इस पानी के अंदर जाएंगे, इस पानी की गहराई नापेंगे कि बरसात ने जो क्या कहते हैं ऊधम मचा के रखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। परेशानियां बहुत हैं यहाँ पर, पानी ने परेशान करके रखा हुआ है। आराम आराम से लियो भाई। ये अंकल जी की स्कूटी बंद हो चुकी है यहाँ पे। नापनी नहीं रुकेगी, बस गड्ढा बड्ढा देख के चलिए आराम से। दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, क्या बात है, वीडियो पे वीडियो बनाई जा रही है। ब्यूटी दिख गई क्या है, मथुरा की ब्यूटी बहुत फेमस हो रही है। और ये पानी आप देख सकते हैं, हमारी स्कूटी के टायर सभी पानी के अंदर हैं। मीटिंग चल रही है, मीटिंग। तो ये माहौल है हमारे मथुरा के बस अड्डे का, रोडों पे भर चुका है पानी, वाहन नहीं है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं आराम से लो, आराम से, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है पानी की वजह से। ये देख सकते हैं आप पुल के नीचे, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, ये इस वजह से नहीं जा रही है क्योंकि निकल नहीं पाएगी, स्कूटी भी नहीं जा पाएगी, यहाँ पर हम पूरे डूब जाएंगे। गाइस ये जो आप देख रहे हैं आगे पुल है, और ये पुल के नीचे क्या गाड़ी है, गाड़ी, एक गाड़ी की छत दिख रही है, गाड़ी नहीं दिख रही है। तो बिल्कुल तलातल हो चुके हैं, ये देखिए गाड़ियां यू टर्न ले रही हैं, सब लौट लौट के जा रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है आगे जाने की क्योंकि आगे तालाब, और हिम्मत हमारी भी नहीं है। ए, 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 ए। क्या बोलते हो, जाके देखें? नहीं 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 नहीं, गाइस अगली बार कमेंट कर देना अगर इस पानी में ले जाना हो तो। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। गाइस उधर तो पूरा पानी भरा हुआ था, हमारी स्कूटी नहीं निकल सकती थी, लेकिन अब हम चल रहे हैं भूतेश्वर रोड की तरफ। अब उधर देखते हैं उधर का क्या माहौल है। ये है हमारे यहाँ का ब्रजवासी सेंट्रम, यहाँ के
पेड़े बहुत फेमस हैं, कभी भी आए तो यहाँ पर पेड़ा जरूर खाएं। लेकिन चलो तो गाइस देखिए, 40 घंटे लगातार बारिश पड़ने के बाद में मथुरा के अंदर पानी पानी हो चुका है, और ये देखिए घुटने घुटनों तक है पानी। ये अभी आगे क्यों ले रहा, आगे देखियो, आगे आगे मतलब इधर लो इधर। तो गाइस यहाँ पे तो फटके हाथ में आ गई है। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई बीच में। ये देखिए गाइस गलियों में पानी भर चुका है। ये स्विगी वाले भैया की मोटरसाइकिल बंद हो गई है यहाँ पे। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ये देखिए भीड़ छूट रही है, भीड़ क्या बात है। राउंड कैसा लग रहा है? एडवेंचर है गाइस, बस एक उसका इंतजार है। ये पूरी जनता निकल नहीं रही है। मोमोज वाले पे कितनी भीड़ है, भूखे आ गए सब रे, नहीं मंदिर चलाएंगे। पानी में निकलने के बाद में कहां डॉन बता रहे, कहां तक भीग गए भाई, घोंटू तक गए नहीं, यहां तक भीग चुका हूं। तो ये है हमारे मथुरा का फेमस प्लेस मोती मंजिल। आज यहां पर जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, इससे कहीं चार गुना भीड़ यहां पर रहती है। लेकिन 40 घंटे बरसात होने के बाद में लोग बाग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि यहां पर भीड़, गाड़ियां, अब अंदाजा लगा लीजिए अगर नॉर्मल डेज होते तो यहाँ कितनी भीड़ होती। बोलिए, दुकानें बंद हैं, दुकानदार आ नहीं पाए हैं पानी वजह से। ये हमारे मथुरा का एकदम पौष इलाका है, यहाँ पे सारी ब्रांड देखने को मिल जाती हैं। जैसे ये हैं, ये आम पे गए कपड़े से लेके जूतों से लेके सारी ब्रांड्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। और यहाँ पे काफी हरियाली देखी जाती है, आपकी समझ से उसको हरियाली कहेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये देखिए गाइस, यहाँ पे थोड़ा शांति का माहौल है क्योंकि बारिश का मौसम है। और बारिश जो पड़ी है वो 40 घंटे पड़ी है, 40 घंटे नॉन स्टॉप। गाइस सड़कों पे जल भराव हो गया है, लोग गरम गरम खाने पर टूट रहे हैं। देखिए गाइस मोमोज पर कितनी भीड़ लगी हुई है। मोमोज पर किसके लिए है? ये सब आपके प्यार के लिए है गाइस, इसलिए फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। बात तो सही है। घोड़ा डूब जाएगा, इतना पानी है। कुत्ते घर के लिए घोड़ा डबा दिया की घोड़ा भी लौट के आ गया है और इसके बस्ती भी नहीं रही है। तो हम अपने पार्टनर से यही कहना चाहेंगे, स्कूटी को आराम से चलाएं। पता चले घर से आए थे ब्लॉग बनाने के लिए, एडिटिंग हो रही है हॉस्पिटल में। पानी भर गए, वापिस हो लो, यहीं से वापिस हो लो, वापिस चले यहीं से, यहीं से। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ये पानी तो गए। हम जा रहे हैं जन्मभूमि की साइड और बहुत अच्छा माहौल है हम वहाँ पे, और हम आपको दिखाएंगे क्या सिस्टम रहता है वहाँ का। चलो आइए देखते हैं। तो
यहाँ क्या हो रहा है? ये गणेश जी पधारे हुए यहाँ पे और सभी नाच कर रही है भाई। वाह बहुत सुंदर है भाई। गाइस जैसा कि आप सबने देखा था कि पूरी जनता बरसात होने के बाद में मोमोज पर ऐसे टूट पड़ी थी जैसे कोई भंडारा चल रहा हो। तो ये सब देखने के बाद गाइस हमको भी टूटना पड़ा और हम भी टूट गए। बरसात के बाद बहुत ही ज्यादा माहौल खराब हो चुका है, जगह जगह पे पानी भर चुका है और इस असुविधा को देखने के बाद गुस्से में हमने खा लिए मोमोज और अब हमारा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। तो अब मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए लेट सब्सक्राइब। Dance with me.